एडजस्ट करिएगा, थोड़ा बरसात कुछ ज्यादा ही तेज हो रही है तो बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज आएगी, ठीक है। अभी हाल में ही आप लोग सुनते रहते हैं, जब प्राइवेटेशन किया गया रेलवे का भी, तब भी आपने देखा कि कई तरह के सवाल उठे कि रेलवे को मैच दिया गया है, प्राइवेट हाथों में दे दिया गया है। अभी आपने देखा कि 3 हवाई अड्डे भी आपके प्राइवेट हाथों में दिए गए हैं, सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत। तो उसमें इसमें भी आपने देखा है कि सवाल उठ रहे हैं, फेसबुक या सोशल मीडिया पर हर जगह छाया हुआ है कि सरकार अब हवाई अड्डे भी बेचने लगी है। तो आज का आर्टिकल उसी से संबंधित है, आपकी दिमाग में जो भी सवाल होंगे उन सब के जवाब मिल जाएंगे लगभग, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 50 वर्ष की अवधि के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से 3 हवाई अड्डे, जिसमें आपका जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम को लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। याद रखिए, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। इस संबंध में जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संचालित 3 हवाई अड्डों को लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसे याद रखिए, कौन करेगा इसका संचालन, प्रबंधन और विकास? ये करेगा अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड। ये इसका रख रखाव भी करेगा, उसका जो भी संचालन है उसका भी देख रेख करेगा, प्रबंधन का भी देख रेख भी करेगा। लीज की अवधि 50 वर्ष की रहेगी और अवधि पूरी होने के पश्चात हवाई अड्डों का संचालन, प्रबंधन और विकास का दायित्व पुनः भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास आ जाएगा। यानी कि 50 वर्षों के लिए अडानी ग्रुप के पास रहेगा, उसके बाद आप देखेंगे कि 50 साल के बाद पुनः भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास दोबारा आ जाएगा। सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत परिचालन, प्रबंधन और विकास के लिए करीब 1 दशक पूर्व ही लीज पर दे दिया था। तो आप कहिए, पहली बार हमारे देश में इस तरह की व्यवस्था नहीं हो रही है। दिल्ली और मुंबई के हवाई अड्डों को आप देखते हैं कि सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत ही उनका परिचालन किया जा रहा है, प्रबंधन किया जा रहा है और विकास किया जा रहा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 14 दिसंबर 2018 को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत देश के 6 हवाई अड्डों, जिसमें अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मंगलूर को लीज पर दिए जाने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। कब? 14 दिसंबर 2018 को। इस प्रक्रिया में अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड सबसे बड़े बोलीदाता के रूप में सामने आया था। इसके बाद जुलाई 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अडानी इंटरप्राइजेज को 6 में से 3 हवाई अड्डों का अहमदाबाद, मंगलोर और लखनऊ को लीज पर लेन देने के प्रस्ताव को मंजूरी भी दी थी। हालांकि शेष 3 हवाई अड्डे थे, इनको कुछ कानूनी मामलों के कारण उस समय अडानी इंटरप्राइजेज को नहीं दिया गया था। तो याद रखिए, 6 का एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसमें से 3 पहले दिए गए थे, उनको मंजूरी दे दी गई थी और इन्हें बाद में दिया गया है। और बात एक यह एक और ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे देश में पहली बार इस तरह की घटनाएं नहीं घट रही हैं, और इसमें सीधा सा मतलब है कि जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा, यानी कि सबसे ज्यादा बात करेगा, आप देखते हैं टेंडर डलते हैं ना, उसी तरह की प्रक्रिया है। जो अधिक टेंडर में बोली लगाएगा उसी को दिए जाते हैं, जिसके अधिक पैसा रहेगा। इससे लाभ क्या होगा आखिर, उस पर भी अगर हम बात करें तो इस परियोजना के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में आवश्यक निवेश जुटाने के अलावा सेवा आपूर्ति, विशेषज्ञता, उद्यम और व्यवसायिक कौशल में दक्षता आएगी। क्या होगा? जो सेवा आपूर्ति है, विशेषज्ञता, उद्यम और व्यवसायिक कौशल में दक्षता आएगी। और आज भी आप लोग देखते हैं कि जो प्राइवेट बस होती हैं, आप लोग कभी सफर करते हैं तो उनमें व्यवस्था देखते हैं, और अभी सरकारी बसों में आप लोग व्यवस्था देखते हैं, जमीन आसमान का फर्क रहता है सेवाओं में। थोड़ा बहुत किराया भी देखते हैं आप लोग की महंगा रहता है, लेकिन व्यवस्थाएं VIP रहती हैं प्राइवेट हाथों में। एक और एक सार्वजनिक निजी भागीदारी के प्रयोग से भारत में विश्व स्तर के हवाई अड्डे विकसित करने में मदद मिलेगी। वहीं इन हवाई अड्डों पर विमान यात्रियों के लिए गुणवत्ता युक्त विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम में हवाई अड्डों को लीज पर देने से लगभग 1,070 करोड़, कितना, 1,070 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इस राशि का प्रयोग छोटे शहरों में
हवाई अड्डों को विकसित करने के लिए किया जाएगा। समझ में आया आपका कि इससे जो आपका भारतीय विमान प्राधिकरण के खर्चों की बात की जाए तो 1,070 करोड़ रुपए की मतलब कमी होगी, एक तरह से फायदा होगा इन्हें और आप लोगों के लिए बेहतर क्वालिटी भी रहेगी। देखिए आप भी जानते हैं कि जब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं हम लोग और सरकारी हॉस्पिटलों में जाते हैं तो आप देखते हैं कि सरकारी हॉस्पिटलों की क्या हालत है और प्राइवेट हॉस्पिटलों की क्या हालत है। देखिए थोड़ा थोड़ा किराए में फर्क पड़ेगा, ऐसी एक हकीकत बात है, लेकिन देखते हैं आगे अगर सरकार जो भी चाहे जैसा बस चाहेगा होता रहेगा, क्योंकि सरकार पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि कितना भी किराया तय कर दें, कितना भी किराया लेने लगे, कुछ भी करने लगे, ऐसा भी नहीं रहेगा, सरकार इसमें हस्तक्षेप करती रहेगी। अब बात करते हैं भारतीय विमान पतन प्राधिकरण की AAI। तो भारतीय विमान पतन प्राधिकरण का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। तब से यह प्राधिकरण ग्राउंड और एयर स्पेस दोनों में नागरिक उड्डयन और संरचना के निर्माण, उन्नयन, रखरखाव और प्रबंधन का कार्य कर रहा है। वर्तमान में भारतीय विमान प्राधिकरण 137 विमान पतनों का प्रबंधन करता है, जिसमें 23 अंतरराष्ट्रीय विमान पतन है आपके और 10 सीमा शुल्क विमान पतन, 81 घरेलू विमान पतन और रक्षा वायु क्षेत्र में 23 घरेलू सिविल उनक्लेव शामिल है आपके। तो ये कहानी है आपकी जो अभी हाल में हवाई अड्डों को लीज पर देने की बात की गई उसकी की, ठीक है। आप लोग एक जागरूक हैं, कम से कम थोड़ा बहुत सर्च करके देख लिया करिएगा कि इससे फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे। बाकी आप लोग क्योंकि फेसबुक के सोशल मीडिया कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हो गए जहां आपकी तरह झूठी कोई खबर हो तो आपकी तरह फैलती है। तो 50 सालों के लिए लीज पर दिया गया है, 50 साल के बाद पुनः भारत सरकार के यानी कि आपके भारतीय विमान पतन प्राधिकरण के अंडर में आ जाएंगे, ठीक है। और ये हमारे देश में पहली ऐसी घटना नहीं है, उससे पहले आपने देखा है दिल्ली मुंबई में इस तरह के हुआ है, लीज पर दिए गए हैं।